नगरीय चिकित्सालय खटीमा द्वारा जहां कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं खटीमा में अभी तक कुल 9 वैक्सीनेशन सेंटर को खोला गया है। आमजन को कोविड-19 के टीकाकरण लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरोना नोवेल अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह द्वारा खटीमा स्थित कारखानों के कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित ईस्टर इंडस्ट्रीज कारखाने में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की गई। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन ईस्टर कारखाने के मानव संसाधन प्रमुख अजय मेहता द्वारा किया गया। इस दौरान ईस्टर कंपनी के 45 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं ईस्टर के HR हेड अजय मेहता ने कहा कि कोविड संक्रमण से कंपनी के कर्मचारी एवं उनके परिजनों को सुरक्षा कवच देने के लिए कंपनी में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ईस्टर इंडस्ट्री लिमिटेड खटीमा में प्लांट HR हेड हूँ। हमारे लगभग 1000 एम्प्लॉय हमारे कारखाने में कार्य करते हैं, जिसमें से 45 वर्ष से ऊपर लगभग 200 कर्मचारी हैं, और इन सभी का टीकाकरण हमारे सिविल हॉस्पिटल खटीमा के माध्यम से डॉक्टर बीपी सिंह जी के हेल्प के माध्यम से हम यहाँ पर टीकाकरण करवा रहे हैं। और हमारे सभी कर्मचारी अपनी फैमिली को लेके भी, जो कि 45 वर्ष से ऊपर के हैं, पहली वैक्सीनेशन का कार्य आज शुरू हुआ और इसके 42 दिन के बाद दूसरी वैक्सीनेशन भी इनको लगा दी जाएगी। इसमें हमारी कर्मचारियों का योगदान बहुत सराहनीय है। सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। लगभग हमारे अभी 150 लोग एम्प्लॉयज़ को लग चुका है। जो नाइट शिफ्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी आएंगे और अपने परिवार के साथ उनका भी टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन के क्रम को अपने बढ़ाते हुए, जैसे 9 सेंटर हमने खोले थे, तो आज हमने ईस्टर में इसको लगाने का फैसला लिया है। हमारे मेहता जी जिन्होंने सहयोग किया हमें इसमें लगाने के लिए, तो हम उनके पास फैक्ट्री में 45 से वर्ग से ऊपर वाले हमारे पात्र बहुत 200 से 250 लोग हैं, तो हम फेज़ वाइज में आज और कल में इसे पूरा करेंगे ताकि कोई भी लोग टीकाकरण से छूट ना जाए।